हेलो एवरीवन, दिस इज आसिफ खान। तो भाई कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम मस्त हो गए। सो गाइस, अभी हम लोग हैं SCPM हॉस्पिटल के जस्ट सामने, क्योंकि फैसल एडमिट है। कुछ उसको मतलब दिक्कत हो गई गर्मी की वजह से, उसको चक्कर आ गए थे, बेहोश हो गया था। और कमजोरी वगैरह भी थी, तो अभी अंदर एडमिट है। अभी हम लोग चलते हैं उसे अंदर देखते हैं। बाकी तो हमारे भाई लोग भी हैं, रेहान लोग आए थे, वो चले गए। ये स्टार्टिंग में बाद में कर रहा हूँ, अभी तो हम लोग उसे देख के आ चुके हैं। फिर से चलते हैं फटाफट से अंदर, फैसल से मिलते हैं, फिर उसको साथ में डिस्चार्ज करके उसको घर ले चलेंगे। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, लेट्स गो। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्डिंग में। ये नई वाली बिल्डिंग है। अभी हम लोग चलते हैं ऊपर फिलहाल। अभी उसको कॉल करते हैं, उसने बोला है दूसरी मंजिले पे हैं, तो चलते हैं। गाइस, हम लोग गलती से नई वाली बिल्डिंग में आ गए थे, फैसल ने बोला है कि पुरानी वाली बिल्डिंग में। अब हम लोग जा रहे हैं पुरानी वाली बिल्डिंग में, चलते हैं फटाफट से दूसरे मंजिले पे, लेट्स गो। तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं, ये कौन सी बिल्डिंग है? पुरानी वाली ना, पुरानी वाली बिल्डिंग में अब चलते हैं। अब फैसल को ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, किसी को कॉल करते हैं, वो हम लोग को शायद लेने आ जाए, वरना हम लोग डायरेक्ट सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग ऊपर आ रहे हैं, उसने बोला है रूम नंबर 4, तो चलते हैं फटाफट से रूम नंबर 4 में, फैसल को देखते हैं और कौन कौन आया है सबको देख लेते हैं, क्योंकि उसने दिन में बताया नहीं था और सुबह से ही सब हो रहा है। अब हम लोग अंदर चलते हैं, चलो फटाफट से भाई। बाकी हमारे सारे भाई लोग अभी यहीं हैं, अभी चलते हैं अंदर, आप लोगों को फैसल से मिलवाते हैं। बाकी आपका क्या कहना है भाई? अभी हम लोग अंदर चलते जाएगा, फैसल से मिलते हैं, बहुत बदतमीज़ हैं। फैसल, क्या हुआ भाई आपको? बोलने के लायक नहीं, कोई बात नहीं भाई, नया नया ऑपरेशन है, नहीं बुलवाते हैं भाई। चलो आराम करो, ठीक है, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। गाइस, अभी हम लोग फैसल को देख के तो आ चुके हैं, बाकी थोड़ी देर में वो डिस्चार्ज हो जाएगा। आकिब भाई हमारे साथ है, कितनी देर में डिस्चार्ज होगा भाई? आधे घंटे लगेंगे और बाकी लोग क्या हैं? क्या बोले आकिब भाई? थोड़ा डर रहे बताने से आकिब भाई, पर फैसल की घर से फ़ोन आ रहा है, तो ये भी जा रहा है। फैसल नहीं, अफान की घर से, अफान की घर से चच्चा भाई खाना है भाई, चच्चा खाना खाने, चच्चा। अभी हम लोग वेट करते हैं फैसल के डिस्चार्ज होने का, फिर डायरेक्ट उसको लेके चलते हैं घर। सो गाइस, ये लोग तो जा रहे हैं क्योंकि इनके घर से फोन आ रहा है। चलो भाई, वो चच्चा को दिखा दो, जाओ तुम लोग, चलो चलो मिलते हैं, चलो 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 चलो। सो गया गाइस, फैसल भाई हाँ चल रही। सो गाइस, हम लोग अभी थोड़ा सा बाहर बैठे क्योंकि फैसल ठीक हो गया, मतलब बाहर क्या, थोड़ा सा दूर वहाँ पे है वो, और ये लोग भी मेरे साथ हैं, रेहान और अफान तो चले गए। अभी हम लोग बैठे हैं, अभी तो आधे एक घंटे में डिस्चार्ज हो जाएगा फैसल, तो उसका वेट करते हैं, उसी के साथ डायरेक्ट फिर हम लोग घर चलेंगे। सो गाइस, अभी हम लोग बाहर खड़े हैं, फैसल के डिस्चार्ज होने का वेट कर रहे हैं, मतलब कपड़े वपड़े तो उसे पहना दिए गए हैं। और अभी ये भाई लोग सब लोग, आकिब भाई ने बहुत मदद करी फैसल की, आप बहुत मदद करते हैं, मतलब कुछ खास रिश्ता है क्या? भाई है भाई, खास रिश्ता है क्या? भाई है, हम लोग का भी भाई है, इनका भी भाई है। आप सुबह से हैं? भाई सुबह से, हम लोग अभी 3 बजे बीमार हुआ, 2 बजे बीमार हुआ था, सुबह से नहीं, दो ही बजे मतलब बीमार हुआ, तो मतलब अप्रॉक्स आप सुबह ही करते हैं? हाँ, सुबह बीमार हुआ था, अब छुटा है, जा रहा है भाई। मुश्किल तो भाई, अभी वो लिफ्ट से आ रहा है और हम लोग जीने से जा रहे हैं भाई वॉक, चलते हैं लिफ्ट के सामने, फिर से खड़े हो जाते हैं, आता ही होगा वो। गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं घर और इस वक्त बज रहे हैं रात के 11:30। अभी हम लोग आए थे खाना खाने के लिए, खाना खा लेते फिर एक और बार चलते देख लेते, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग वापस आ जाएंगे घर, फिर कल मिलेंगे उससे, और बाकी अगर कुछ मतलब रुकने का प्लान हुआ तो रुक भी जाएंगे। अभी तो हम लोग बैठे हैं और आप लोग दुआ करिए जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए। 10 दिन का बेड रेस्ट, मतलब उसे बोला डॉक्टर ने कि 10 दिन आराम करो, और शायद कुछ पेट में दिक्कत थी, मैंने भी ठीक से पता नहीं करा, पर पेट में कुछ दिक्कत वगैरह थी, कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं ठीक से, पर आप लोग फिर भी दुआ करिए उसके लिए, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, व्लॉग में अच्छे से फिर से आने लगे। अभी देखते हैं, खाना खा लेते हैं फिर चलते हैं उसके पास। गाइज, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, होप करता हूँ आप लोगों ने पूरा व्लॉग देखा होगा, अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिए। और गाइज, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं थी, बस पेट वगैरह में कुछ दिक्कत थी। आप लोग फैसल से कॉन्टैक्ट करके पूछ लीजिए, मतलब इंस्टा पे उसकी पूछ लीजिएगा उसको क्या दिक्कत है, मुझे तो खुद भी ठीक से नहीं पता, क्योंकि घर में उसका ऐसा माहौल था कि किसी से पूछना भी नहीं मन रहा था, हम लोगों ने फटाफट से जो काम करवाया वो करवा लिया, फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए। अब तो सब कुछ एकदम नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। दुआ करिए वो जल्दी से जल्दी और ठीक हो जाए, घर से निकलने लगे। मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।